नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म संवाद। देव गुरु बृहस्पति अतिचार गति में अब तक चल रहे थे मार्गी होकर, और वक्री होकर वृश्चिक राशि में आएंगे क्या, अब आ ही चुके हैं। और देव गुरु बृहस्पति अतिचार गति में यानी बहुत फास्ट गति में चल रहे थे और फास्ट गति में आपको लाभ भी दे रहे थे। अब जब वृश्चिक राशि के लग्न में आएंगे, यानी वृश्चिक राशि में आपकी राशि से देखिएगा आएंगे, तब यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति के आने से आपके जीवन में तरक्की होने लगेगी। और बृहस्पति देव 7 चीज़ों के कारक है। आपके जीवन में धन आपको कितना मिलेगा ये भी बृहस्पति देव देते हैं, और ज्ञान देते हैं, आप कितना पढ़ेंगे लिखेंगे कितना बुद्धिमान होंगे ये भी देते हैं। भाग्योदय करते हैं, यानी ये जो किस्मत की चाबी होती है वो चाबी भी देवगुरु बृहस्पति के पास है। संतान का सुख भी देवगुरु बृहस्पति देते हैं। करियर में ऊंचाई भी देवगुरु बृहस्पति ही देते हैं, और लाभ भी आपके रोजगार में जॉब में ये भी देवगुरु बृहस्पति कराते हैं। महिलाओं के लिए पति का कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं, और अभी जब वृश्चिक राशि यानी मंगल की राशि है वृश्चिक राशि, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब जाएंगे अपने मित्र की राशि में, तब मकर राशि वालों के जीवन में क्या बदलाव आने वाला है, आइए हम बतलाने की कोशिश करते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में विराजमान है, और 11वां भाव गोचर में देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर फल देते हैं। यहाँ पर विदेश से आपको लाभ होगा। अगर आप विदेश में नौकरी करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से व्यापार हैं, तो फिर यहाँ आपको पीछे मुड़ने की अब आवश्यकता नहीं है। इन क्षेत्रों में बहुत तरक्की कीजिएगा, धन बहुत आएगा, और आप इस समय अपने घर में पूजा पाठ मांगलिक कार्य भी करवा सकते हैं, और अपने भाइयों का सुख भी आपको मिलेगा, सहयोग मिलेगा। विदेश यात्रा की करना चाह रहे हैं लंबे समय से परिवार के साथ, कर सकते हैं, प्रयास कीजिए। आप विदेश में आपको सफलताएं भी बहुत मिलेगी, तो इसलिए यानी दूर देश जन्म स्थान से दूर कहीं भी आप कुछ भी करते हैं उसमें सफलता के झंडे आप गाड़ेंगे। और यहाँ पर सब कुछ आपके फेवर में ही है, लेकिन मंगल देव भी आपके ऊपर कृपा बरसाए हुए हैं, तो आपके लिए ये समय तो बहुत अच्छा है। तो मकर राशि वालों, आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, शनि देव और केतु दोनों एक साथ मिलकर जीवन में विस्फोट जैसी समस्याएं पैदा कर रहे हैं, तो आपको केस मुकदमा पुलिस कोर्ट कचहरी से बचना होगा। इन पचड़ों में ना ही पड़े, झगड़े लड़ाई विवाद में तो अच्छा है, और आपको अपनी आँखों का भी खास ख्याल रखना होगा। अगर ये 2-3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके लिए समय ये 4 महीनों का बहुत सुंदर है, आप इसका जमकर फ़ायदा उठा सकते हैं। और आप चाहें तो जैसे मकर राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है, तो शनि चालीसा का पाठ रोज़ शाम में करें, और केतु के लिए रोज़ नहाने के बाद केसर या हल्दी का खुद को तिलक लगाइए, इससे भी केतु देव प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपनी लाइफ को चमका सकते हैं। हम फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।